सनातन धर्म में शिवलिंग को भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं कुछ विधि व नियम। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर जी के प्रतिरूप शिवलिंग को सभी शिव स्वरूप ही मानते हैं और वो शिव रूप ही है। भगवान शिव जी को जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान शिव जी को जल चढ़ाने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। उत्तर दिशा में शिवजी महाराज को जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती भी प्रसन्न होती है। भगवान शिव जी को चढ़े हुए जल का यदि हम मस्तक पर लगा के, कंठ पे लगा के, हृदय पे लगा के पान करते हैं तो हमारे शरीर की समस्त बीमारियों का शमन होता है। इसलिए भगवान शिव जी के चढ़े हुए जल को माथे से लगा के उसको पान कर लेना चाहिए, ऐसा शिव महापुराण में उल्लेखित है। शिव जी महाराज जल चढ़ाने से शिव धारा शिव जी को अति प्रिय होती है। इसलिए वैशाख मास से लेकर तो श्रावण भादो उपरांत तक भगवान शिव जी को जल धारा समर्पित की जाती है, अर्थात भगवान शिव जी के मस्तक के ऊपर जल धारा स्वरूप मटका या घड़ा टांग करके अविचल भगवान शिव जी को जल धारा समर्पित की जाती है। इसलिए भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं जल धारा चढ़ाने से। तो समस्त भक्तों को शिव जी को जल अर्पित करना चाहिए और मन की कामना पूर्ण करने के लिए, आरोग्य कामना के लिए भगवान शिव जी को चढ़ा हुआ जल अपने कंठ में धारण करना चाहिए, पी लेना चाहिए, जिससे कि समस्त मनोकामना पूर्ण होकर रोग मुक्त जीवन प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। अपना पंडित रविशंकर शुक्ला।